चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग नौ स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। 12 अप्रैल को नवरात्रि का चौथा दिन है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और के बारे में। कैसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप? माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान आदि के बाद माता कुष्मांडा को नमन करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग लगाएं। चौथे नवरात्रि में देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। माता का मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरात पुलुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।